है क्या लगता है मैंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी सर जीवन में? मैंने 11 12th में साइंस ले लिया था। सब कुछ वहीं से डाउनहिल स्टार्ट हो गया भाई, कुछ नहीं सीख पाया मैं समाज की कूल चीज़ें, बस पढ़ाई लिखाई करते रहे। कोई है साइंस वाला मेरी तरह? यहाँ साइंस साइंस साइंस, अरे भाई हम लोग ऐसे ही अकेले रह गए जीवन में, हमें समाज अपना ही नहीं रहा है। देखो अकेले बैठे दोनों एकदम खुश। हाँ हाँ ठीक है भाई, कोई कॉमर्स का यहाँ पे? कॉमर्स से कोई? तुम लोग से बहन जो बचपन से चिढ़ता हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं आई ये कम्युनिटी कभी, पता है भाई बहुत कूल होते हैं कॉमर्स वाले यार। मेरे स्कूल में कॉमर्स वाले सारी बंदियां ले गए और मैं आरटी शर्मा पढ़ते रह गए। वहाँ कोई है ह्यूमैनिटीज़ से कोई यहाँ पे आर्ट्स बैकग्राउंड? अरे भाई एकदम भाई, ये लोग कम ही होते हैं पता है, कूल लोग बहुत ही कम होते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले। मेरे टाइम में उतना फैड नहीं था सोशल साइंस पढ़ने का, अभी बहुत ज़्यादा है। अब इन लोग को मतलब सबसे कूल ब्रांच चाहिए ह्यूमैनिटीज़, इन लोग को सब पता है, मॉडर्न वोकैबुलरी, फेमिनिज्म क्या होता है, सेक्सिज्म क्या होता है, ईरान में क्या चल रहा है, इराक में क्या चल रहा है, आप डेट पे जाओ तो क्या बातें करनी होती हैं। मेरे को समझ ही नहीं आता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं डेट पे था, मुझसे बंदी ने पूछा पवन What do you think about this dystopian world? मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव टाइप है क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पता है मॉडर्न वोकैबुलरी। आप एक बात बताओ, आप मुझे ऐसा कूल लग रहे हो, इस पे कौन हंसा? मैंने उससे एक नॉर्मल सा सवाल किया, बेसिक क्वेश्चन डेट पे, कि आर यू डेटिंग एनीवन राइट नाउ? मुझे कह रही है नो, राइट नाउ आई एम हीलिंग। आपको पता है क्या मतलब होता है इसका? I mean she's striving towards getting better to date someone, like be in a position to date someone properly. 5 mark question है। ये सही है यार। मुझे लगा कुछ आयुर्वेद का काम है उसका। मैंने अपने घुटनों का दर्द दिखाया। कोई जड़ी बूटी तुम्हारे पास, कोई तेल अगर हो ऐसा मुझे भी बताओ यार। मैं पता है मैं सीख ही नहीं पाया यार ये, मैं कैचअप कर ही नहीं पाया। मैंने YouTube पे भी वीडियो डाली, जो मतलब स्टैंड अप की वीडियो, घबराना मत आप। कौन सी वीडियो डालता है, ये स्टैंड अप की वीडियो है। मेरे को अच्छे मैसेजेस कमेंट्स आए थे, पर मेरे को एक मैसेज आया एक बंदी का कि आपकी वीडियो में, एक तो आपने बोला उसने, तेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा सेक्सिज्म है। मैंने कहा देखो शिवानी, मेरे को तो समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या सेक्सिस्ट होता है। तो कह रही हो कि ये तुम्हारा मेल प्रिविलेज बोल रहा है। मैंने कहा ये मेल प्रिविलेज क्या होता है? कह रही है तुमको मेल प्रिविलेज नहीं पता है तो ये भी तुम्हारा मेल प्रिविलेज बोल रहा है। मैं बहन जो रिवर्स सुनो, इसके लिए तो एक दो और बीटेक करना पड़ेगा यार, मैं बहुत पीछे रह गया भाई, मैं कैचअप कर ही नहीं पाया भाई। मेरे को बीटेक में जाके लोगों ने बताया था कि आपको पता तो है ना दो यूनिवर्स होते हैं। मैंने कहा कलयुग सत्ययुग, मार्वल डीसी। मैंने कहा ये शक्तिमान किस यूनिवर्स का है भाई? मेरे टीवी में खाली वही आ रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, आजकल गुड़गांव दिल्ली बॉम्बे में भी हेलोइन का फैशन आ गया है भाई। मैं हेलोइन में जूनियर जी बन के जाता हूँ। हाँ मुझे देख के वहाँ स्पाइडरमैन की गांड फट गई थी कि सर आप किस यूनिवर्स से हो? मैंने कहा DD1। तू पहुँच भी नहीं पाएगा स्पाइडी, वंडर वुमन मेरी है अब। यार कैसे करूँ मैं कैचअप पे, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। मैं मूवीज़ देख के बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ। कोई है आप में से जो पेट लवर हो? कोई किसी के पास कोई पेट, डॉग कैट काओ? आई सपोर्ट ऑल एनिमल्स। काओ है आपके पास? डॉग क्या नाम है उसका? बिल्लू। और बिल्ली होती क्या नाम रखते? डॉगो। नहीं अच्छा है भाई, बिल्लू इज अ वेरी क्यूट नेम। और कोई किसी के पास कुछ डॉग? क्या नाम है आपके डॉग का? कोको। अरे सही, इसमें क्या हंसने की बात है? आपका क्या नाम है? कोको पे कैसी हंसी आ रही है तुमको? ये अच्छा नाम है ना। और किसी के पास डॉग क्या नाम है उसका? टर्टल है। टर्टल आपके? टर्टल का क्या नाम है? तावड़े। तावड़े पुलिस में है क्या? जयंत सर ये। लेकिन ऐसे नाम होते हैं ऐसा, फीडो, बिल्लू, ब्रूनो, राका, जीका, सोफी।
मैं थोड़ा मैंने कबीर सिंह देखी, मैं बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ मूवीज देख के. मैंने अपने डॉग का नाम अपने एक्स के नाम पे रख लिया. शिवानी वॉज माई डॉग और सिर्फ एक टाइम खाना दे रहा था उसको मैं. कि जितने बिल्स डेट पे स्प्लिट नहीं हुए हैं सारा मैं इसकी पेडिग्री से निकाल दूँ. सिर्फ एक टाइम खाना. लेकिन आपको धीरे धीरे प्यार हो ही जाता है. कुत्ता हो इंसान हो, मेरे को वापस शिवानी से प्यार हो गया. और अब मैं 3 टाइम खाना दे रहा था वापस से, ट्रीट्स वगैरह कुकीज सब. हम वापस से वॉक्स पे जा रहे थे कि सरिया तेरा खाते हुए. हाँ पूरा एकदम रोमांटिक सीन्स था. लेकिन मैंने रिसेंटली क्या देखा कि मेरा दोस्त मेरे घर आया है और शिवानी जाके उसकी गोद में बैठ गई. और अब वो दोस्त रोज आ रहा है. मैं बहन जो डेजा हूँ. अब मैं सिर्फ पानी दे रहा हूँ शिवानी को. शी इज हीलिंग अगेन. मैंने पता क्या देखा यार, साइंस में इतने सारे एग्जाम होते हैं ना. पहले बहन जो IIT की तैयारी करो, फिर AI EEE लिखो, फिर CAT लिख के MBA करो. तो जब तक मेरी जॉब लगी ना दुनिया बहुत आगे निकल गई थी भाई. मैं कैचअप कर ही नहीं पाया हूँ डेटिंग वर्ल्ड से. मेरे को किसी ने पता है रिसेंटली डेट पे बार बुलाया. अब मुझे कॉफी शॉप्स का आइडिया था कि ब्लैक कॉफी विद ब्राउन ही बोल दूंगा. कड़वी लगे बहन जो मेरा. आप डेट पे चाय नहीं बोल सकते हो. अदरक वाली चाय पीऊंगा. हट बहन, ये टपरी है. नहीं है ऐसा. हाँ इतने मुझे पता था. बार का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था. मतलब मुझे इतना पता था कि डेट पे आप बार में ये नहीं बोल सकते वेटर को कि भाई साहब अद्धा ले रॉयल स्टैग. तो मैंने सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोला भाई कि आप कॉकटेल का मेन्यू ले आइए. वो मेन्यू लाया. उसने पहले बंदी से पूछा व्हाट विल यू हैव. अब शी वॉज वेरी क्विक. आई हैव एन LIIT. उसके बाद मुझसे पूछ रहा व्हाट विल यू हैव. मैंने पूछा क्या क्या रखे हो. तो कह रहा वी हैव ब्लैक एंजल, वी हैव वाइट रशियन, वी हैव सेक्स ऑन द बीच. मैंने कहा सब कॉकटेल है. कह रहे सब कॉकटेल है भाई. तुम आज ही बाहर निकल रहे हो क्या. We have slippery nipples. मैंने कहा तुम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, CD बेच रहे हो यार. ये सब सेम पिक्चर मंगल बाजार में मिल रही है. मैंने कहा देखो मैं सोफिस्टिकेटेड बनने का ट्राई कर रहा हूँ. मैं डेट पे आया हूँ, पब्लिक प्लेस है. तुम शांति से कांच की ग्लास में एक पीना कोलाडा ले आओ और स्लिपरी निप्पल्स पेन ड्राइव में ले आओ. अब अगर है ऑप्शन. मेरा मेन मकसद पता जीवन में क्या है. मैं एक प्रोफेशनल फेमिनिस्ट बनना चाहता हूँ. प्रोफेशनल वाला एथलीट बनने की मेरी उम्र निकल गई है. मैंने ज्वाइन कर लिया अमेरिकन कंपनी. बहुत वोक होती है, बहुत ही प्रोग्रेसिव होती है. मतलब आप लोग को शायद पता होगा जेंडर प्रोनाउंस पता है आप लोगों को. ही हिम शी हर दे देम लोग अपने बायो में लिखते हैं. रिसेंटली प्राइड परेड हुआ. भाई मेरे को नहीं आइडिया था क्या होता है ये सब. और मेरे को मेरा अमेरिकन HR मेल कर रहा है कि पवन आई कैन सी यू आर नॉट यूजिंग एनी प्रोनाउंस इन फ्रंट ऑफ ए सिग्नेचर. मैंने कहा सब क्या रहता है भाई. सुनो नहीं आपको लिखना है सब ही हिम शी हर दे देम. यू हैव टू मेक एवरीवन फील इंक्लूसिव. मैंने चेक किया जॉनथन ही हिम लिख रहा है, ट्रेसी शी हर लिख रही है. भाई मैं लिख रहा हूँ ही हिम. अब मैं मेरे मोहल्ले का पहला लड़का है जो ही हिम लिख रहा है. अब मैं सबसे पूछते रहता हूँ मोहल्ले में. आज मैंने पूछा एक से कि राहुल तुम्हारा प्रोनाउन क्या है भाई. तो कह रहे हम लोग तो भैया यादव लगाते हैं. पापा भी हमारे यादव लगा रहे हैं. मम्मी पता नहीं क्यों शीहर लिख रही है. अब मैं हो गया हूँ पता एकदम फेमिनिस्ट. मुझसे अब सेक्सिज्म बर्दाश्त ही नहीं होता. हाँ मैं कहीं भी ऐसा होते हुए देखूँ ना कैजुअल सेक्सिज्म में फट से कॉल आउट कर दूँ. एक तो मैंने कॉल आउट बोलना सीख लिया है. हो सकता है भी आपका कॉल आउट कर दूँ. मेरा भरोसा नहीं है. मैंने अपने पापा का कॉल आउट कर दिया रिसेंटली. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई. मैं घर गया हुआ था. मैंने देखा मेरे पापा मम्मी से कह रहे हैं कि सुनो चाय हो जाए, चाय बना दो. मैंने कहा पापा ये सेक्सिस्ट बात है. मम्मी को चाय बनाएगी तो मम्मी चिढ़ गई कि साले इसमें क्या सेक्सिस्ट है, मैं अच्छा चाय बनाती हूँ. मैंने कहा देखो मम्मी तुमको यहाँ पे सेक्सिज्म समझ में नहीं आ रहा है. ये शायद तुम्हारा मेल प्रिविलेज बोल रहा है.